और भगत जोतराम जी कैसे याद किया? आपके दर्शन करना चाहता था गुरुजी, इसलिए आपको तकलीफ दी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये हम आपको वरदान दे चुके हैं कि आप जब भी हमें बुलाओगे हमें आना पड़ेगा। तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ गुरुजी, पूछना चाहता हूँ। बोलो क्या पूछना है? गुरुजी, आज लोग बहुत दुखी हैं, कोई भूत प्रेत से, कोई बांझपन से, कोई तन से, कोई मन से। गुरुजी, लोगों का दुख दूर करना चाहता हूँ, आप मुझे शक्ति दो, लोगों का कष्ट मिटा सकूँ। पर उसके लिए तुम्हें एक त्याग करना होगा। उसके लिए मैं तैयार हूँ गुरुजी। तो सुनो, तुम्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी। क्योंकि शरीर के त्याग के बिना तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती। विधि बताओ गुरुजी। सुनो, संवत 2016 भादवा उतरती दशमी बार शनिवार को पीऊणा सांप द्वारा आपके प्राणों का हरण होगा। इसके लिए तैयार हो? हाँ गुरुजी। तो आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप किसी तंत्र मंत्र विद्या द्वारा भी नहीं बंधे जा सकोगे। आपकी भलाई के कामों में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकेगी। पूरे देश में आपकी पूजा होगी, आपके नाम मात्र से ही कष्ट दूर होंगे, आप पितृयोनि के राजा होंगे। मंजूर है? मंजूर है गुरुजी। मैं उस समय का इंतजार करूंगा गुरुजी। भाई ज्योतिराव, आ गया तू? हाँ बेबे। भाई, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ ठीक ठाक बेबे, तू राजी से? हाँ भाई, मैं तो खूब राजी हूँ बेबे। हाँ, तू माँ ने बुलाई से, अरे इब्बे चली जाइए। भाई, माँ ने बुलाई सु? हाँ बेबे। माँ ठीक तो से ना? हाँ ठीक से बेबे, पर थोड़ी सी बीमार सी हो रही से। बीमार सी हो रही है? भाई, तू मेरे तक कुछ लकोवत नहीं है ना? ना बेबे, हूँ सब कुछ ठीक से बेबे। भाई, तू सच्ची बात कहे ना, माँ ठीक से ना? हाँ माँ ठीक से। ठीक से भाई, मैं तेरी गला ही चालूंगी। ना बेबे, मैंने कोई जरूरी काम से, तू चली जाइए बेबे, इब्बा चली जाइए। ठीक से तो भाई, मैं ही चली जाऊंगी। बेटी राजकोरी। हाँ माँ। के बात, आज जोतराम इवलग नहीं उठ्या? माँ मैं उठा का हूँ। हाँ एक बजा।